बिहार की सियासत में फ्लोर टेस्ट से पहले बदलते समीकरण पर सबकी नजरें हैं कि कहीं नीतीश की सरकार खतरे में ना आ जाए, इसके लिए राबड़ी आवास पर लगातार विधायकों की बड़ी बैठकें जारी हैं। बीच में खबरें ऐसी थी कि नीतीश से नाराज कई नेता भी पाला बदलने का विचार कर सकते हैं, जो ललन सिंह के साथ आगे आते। ललन सिंह ने इन खबरों पर पूरी तरीके से रोक लगाई थी जनवरी के महीने में ही, ये कहते हुए कि वे नीतीश के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच खबरें ऐसी है कि नीतीश से कई नेता नाराज है तो कई नेता काफी खुश हैं, क्योंकि नीतीश बार बार पाला बदलते हैं, फायदा उन्हीं का ही होता है। उनके नाम नए कीर्तिमान लगातार स्थापित होते जा रहे हैं। 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो किसी एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है, 9वीं बार शपथ लेना। लेकिन बाकी विधायकों का क्या, वह भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को और सेफ रखना चाहते हैं, इसीलिए महागठबंधन में अपनी जगह तलाश रहे होंगे। और लालू को तो इस समय आवश्यकता है कम से कम 8 से 10 विधायकों की, जो उनकी मदद करके इस समय महागठबंधन के 114 के आंकड़े को 122 तक पहुंचा सके। इसीलिए राबड़ी आवास पर जितने ज्यादा विपक्षी नेता एकत्रित होंगे जो नीतीश से नाराज हैं, उतना ही फायदा कहीं ना कहीं लालू तेजस्वी को होगा और महागठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन जेडीयू विधायकों के टूटने की जो खबरें थी, वह सिर्फ महज कयास थी, अफवाह थी, ऐसी कोई भी खबर पुष्टि नहीं मानी गई, क्योंकि खुद नीतीश कुमार इस समय रिलैक्स नजर आ रहे हैं। भले ही विभागों के बंटवारे में वह फंसे हैं, फ्लोर टेस्ट में उनको बहुमत साबित करना है, अगला बजट पेश करना है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, काफी कुछ चिंताएं हैं। लेकिन जैसे अभी तक देखा जाए, जेडीयू विधायकों ने नीतीश का हर कदम पर साथ दिया है, चाहे वे एनडीए से महागठबंधन में जाना हो, महागठबंधन से एनडीए वापस आना हो, चाहे नीतीश का वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर वापसी आना हो, जेडीयू के विधायकों ने अब तक साथ दिया है। तो कह सकते हैं कि जेडीयू के विधायकों को लेकर जो राबड़ी आवास पर जाने की खबरें हैं कि राबड़ी आवास जाकर लालू से आगे मदद मांग सकते हैं, लालू से कोई सीट मांग सकते हैं, मंत्री पद मांग सकते हैं, क्योंकि हर नेता जो समर्थक होता है, कार्यकर्ता होता है, फिर वे पार्षद बनता है, फिर आगे विधायक बनने की ख्वाब देखता है, फिर वह आगे मंत्री बनने का ख्वाब देखता है, तो उन ख्वाबों को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। लालू चाहे तो जो मंत्री जो विधायक उनके साथ आए उनको मंत्री बनाने की चाह आगे रखें, उनको आय करने का फैसला करें, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में उनके लिए तो वह संकट मोचक साबित होंगे और ऐसे संकट मोचक की तलाश है। फिलहाल तो राबड़ी आवास पर विधायकों की बैठक, लालू की बैठक हो रही है, क्योंकि एक तरफ ईडी की जांच हो रही है, इसके चलते फिर परेशान है, और दूसरी तरफ कैसे महागठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को परेशान कर सकती है, उनकी मुसीबतें बढ़ा सकती है, अगली रणनीति क्या होगी नीतीश के पाला बदलने के लिए बाद, ये लगातार बैठक जारी है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.